मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी के चलते पिछले लंबे समय से स्कूल बंद है। कोरोना की घातक दूसरी लहर के चलते इस साल 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा भी आयोजित नहीं की गई। लेकिन अब कोरोना की रफ्तार कम होने पर शिक्षा विभाग ने 12वीं कक्षा की परीक्षा को लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। आगामी समय कब स्कूल खुलेंगे और 12वीं कक्षा की परीक्षा किस तरह आयोजित की जाएगी, इन तमाम बातों को जानने के लिए हमारे शुजालपुर सहयोगी दीपक सक्सेना ने स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार से खास बातचीत की। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। कोरोना की रफ्तार निश्चित धीमी हुई है। अब उन बच्चों के लिए भी एक सवाल बड़ा खड़ा होने लगा है कि क्या 12th के एग्जाम होंगे, सरकार की किस तरह की नीति है और उन बच्चों के लिए सरकार ने क्या रूपरेखा बनाई है। हम बात करेंगे स्कूल शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार से। अच्छा, किस तरह का प्लान? 31 मई के बाद में अनलॉक की स्थिति बन रही है, धीरे धीरे करके पूरे मध्य प्रदेश को खोल देंगे, लेकिन साथ में ये भी समीक्षा करेंगे कि कोरोना के वायरस का फिल्टर नहीं फैल रहा है। परीक्षाओं को लेकर के हम 5 जून के बाद में समीक्षा करके पूरे प्रदेश की और परीक्षा कब करा सकते हैं उस पर विचार करेंगे और आगे का टाइम टेबल डिक्लेयर करेंगे। हमारी सामान्यतः सब लोगों से बातचीत हुई है, सरकार की भी मान्यता है कि 12वीं की परीक्षा को होना चाहिए, उसके कुछ पैटर्न में कुछ कम समय में हम संपन्न कर लें, उस पर जरूर राय लोगों की आई है। हम उसका भी सारा अध्ययन कर रहे हैं किस पद्धति से अच्छी परीक्षा संपन्न करा लें, पर पहली प्राथमिकता हमारी बच्चों के जीवन को सुरक्षित रखना है और उसी आधार पर परीक्षाओं का भी निर्धारण किया जाएगा। कक्षा 12वीं के बच्चों से आप निश्चित लाइव जुड़े थे, उसमें ये बच्चों ने कुछ समय अवधि भी मांगी गई है, क्या उसमें? हमने वैसे ही हमारी ओर से ही जब हम डिक्लेयर करेंगे तो हम 20 दिन का टाइम देंगे बच्चों को, उसके बाद 15 दिन परीक्षा लगने में लगेंगे, परीक्षा कराने में, और उसके बाद में काफी जांचना और रिजल्ट घोषित करने से 80 दिन में हम पूरा टाइम टेबल 20 दिन की तैयारी के साथ साथ रिजल्ट घोषित करने की स्थिति में रहेंगे। संपूर्ण स्कूल खोलने की बात को लेकर संपूर्ण स्कूल खोलने की बात हमने 15 जून की कही थी, लेकिन क्योंकि कोरोना का फिर से जो दूसरी लहर आई उसके कारण सारा समाज उथल पुथल हो गया, अस्त व्यस्त हो गया, इसलिए फिर से एक बार समीक्षा करके स्कूल खोलना, कब खोलना और कौन कौन से क्लास तक के स्कूल खोलना, ये सारा हम विचार कर रहे हैं। ऐसा में 1 तारीख को अनलॉक की ओर बढ़ रहे हैं, क्या सरकार का इसमें? हम अनलॉक की ओर बढ़ रहे हैं, हम धीरे धीरे अनलॉक करेंगे, कुछ पाबंदियों के साथ अनलॉक करेंगे, पूरा समाज को सब चीज़ों की स्वतंत्रता नहीं रहेगी, बड़े आयोजन, राजनीतिक कार्यक्रम, धार्मिक बड़े आयोजन, इन सब पर संभवतः रोक लगाने का हमने आगे बढ़ना होगा। उसी पर हमारी क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठकें चल रही है, आज शाजापुर जिले की है, सारे प्रदेश के सभी मंत्री जिलों में से जुड़ करके वहाँ की रिपोर्ट लेकर ग्राउंड रिपोर्ट और फिर मुख्यमंत्री जी बताएंगे, मुख्यमंत्री जी उस आधार पर।